अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल पाकिस्तानी कबूतरबाज में आप लोगों को सलाम अर्ज करते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ कबूतरों के मुतलिक। कबूतरों को अगर फिट रखना है ना, कबूतरों को पेट भर के दो टाइम दाना ना दें। कबूतरों को हाफ पेट इनका भरा हो और सुबह को थोड़ा सा नाश्ता दें, जैसे तकरीबन दो दो तीन तीन ग्राम खुराक एक एक कबूतर के हिस्से आ जाए। फिर उसके बाद शाम को भले इनको जो है ना जितना खा सकें खा लें, यानी कि दिन पूरा सुबह वाले नाश्ते पे रहें तो कबूतर घूमते फिरते रहते हैं, गर्दिश में रहते हैं, फिट रहते हैं। अगर इनका पेट भरा हुआ होगा, ये कबूतर एक जगह पे बैठे हुए होंगे, तो ये कबूतर आप लोगों के बीमार होने के ख़तरे में हैं। और जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है तो कोशिश करें कि आप कबूतरों को एक टाइम दाना दें, सुबह को थोड़ा नाश्ता दें हल्का जहा, उसके बाद आप कबूतरों को शाम को फुल खुराक दें, तो देखें कबूतर फिर रहे हैं अपने आप लोगों के सामने हैं, फिट फिर रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक के करम से। तो मैंने सोचा दोस्तों को ये बता दें, काफ़ी सारे शौकीन जो हैं एक टाइम दाना देते हैं। मैं तकरीबन 3 साल से एक टाइम दाना दे रहा हूँ, सुबह को थोड़ा हल्का जहा नाश्ता देता हूँ, क्योंकि बच्चे वाले जो जुड़े वाले कबूतर होते हैं उनको ज़रूरी चाहिए होता है बच्चों को चोगा देने के लिए। बाकी बड़े कबूतर परवाजी कबूतरों को थोड़ा नाश्ता आ जाएगा, फिर मसला नहीं बनता। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो, मैंने बोला दोस्तों को थोड़ा बताएँ। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, सब दोस्तों का शौक सही होगा। हमारा शौक ये देखें, इसमें चपड़े छपड़े चीने गटरे दड़ घूम रहे हैं, यही हमारा हल्का फुल्का शौक।